नमस्कार, मैं हूँ धनश्री देशपांडे। आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन म्यूजिक वीडियो लेसन्स में। आज हम सीखने जा रहे हैं 1964 की सांझ और सवेरा, इस फिल्म का एक बहुत बेहतरीन नगमा। 1964 से लेके आज 2020 तक सभी संगीत प्रेमी ये गाना बहुत पसंद करते हैं। गीत के बोल है, अजहू न आए बालमा, सावन बीता जाए। इस गाने की ओरिजिनल स्केल है सफ़ेद दो यानी डी, लेकिन आज हम ये गाना सी यानी सफ़ेद एक में सीखेंगे। इसी तरह के क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग के वीडियो लेसन्स आप सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी म्यूजिक लेसन्स का नोटिफिकेशन आपको मिले। ये थी इस गाने की शुरुआत। हम अभी एक एक आलाप और उसका नोटेशन सीखेंगे। इसका नोटेशन सा सम ग रे सा नि ध सम ग रे सा नि ध नि सा। इस गीत में राग चंद्रकंस तथा किरवाणी राग की छटा आती है। सा सम ग रे सा नि ध नि सा। इसके बाद सुमन कल्याणपुर जी का पार्ट है।
इसके बाद फीमेल पार्ट है। यहाँ पे फर्क क्या है, मेल पार्ट जो है मोहम्मद रफ़ी जी का सेम नोटेशन है, लेकिन उन्होंने प धनि पद म प ग म रे ग रे सा नि ध नी सा, यहाँ पे रे ग ये फ्रेज है। और सुमन कल्याणपुर जी जब गाते हैं तो उनके यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है, प धनि पद म प ग म सा ग म प ग म सा ग मगर सा नि ध नी सा, ऐसा ये आलाप है। तो हम सभी आलाप की फिर से प्रैक्टिस करेंगे। पहला आलाप सा सा म ग रे सा नि ध नी सा, आकार में आप गाइए। इसके बाद फीमेल पार्ट रिपीट होता है, ये सेम नोटेशन है, सा सा म ग म ग रे सा नि ध नी सा, थोड़ा चेंज होता है, सा सा म ग म ग रे सा नि ध नी सा, आप गाइए। तीसरा आला ग म ध नि सा आ, इसके बाद फीमेल पार्ट सेम है, आप गाइए। उसके बाद प धनि पद म प ग म रे ग रे सा नि ध प धनि पद म प ग म रे ग रे सा नि ध नी सा, आप गाइए। उसके बाद सुमन कल्याणपुर जी का पार्ट है और वो थोड़ा अलग गाती है, आप गाइए। सावन बीता जाए हाय